हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं किचन में हूँ। तो मैं आज एक नई रेसिपी शूट कर रही हूँ। हाँ, मेरे चैनल में तो नई ही रेसिपी है। कटहल की सब्ज़ी है। कटहल को इंग्लिश में जैक फ्रूट शायद बोलते हैं, और बाकी मुझे नहीं पता कि और क्या बोलते हैं। यदि आपको पता हो तो बताइएगा ज़रूर। तो मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैं, आप देख सकते हैं पीछे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स जो जो मैंने तैयार किए हैं, और इसकी आज मैं आप सभी को रेसिपी दूंगी। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर यहीं पर रख लिए। ये है कटहल, और ये मुझे कटा कटा आया, मतलब मार्केट से ही कटवा कर लेके आए हैं, क्योंकि इसको अगर काटते हैं तो बहुत चिप 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 हो जाता है इस वजह से। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसको जब ड्राई हो गया ये, इसके बाद मैंने इसको प्लेट पे शिफ्ट कर लिया है। और ये है इंग्रेडिएंट्स, ज़ीरा, अदरक मिर्च, ये लहसुन, ये कोरिएंडर पाउडर, ये टर्मरिक पाउडर, और ये टेस्ट के हिसाब से नमक। और ये मैंने स्लाइस पे प्याज काट के रखे हैं, और ये एक कटोरी टमाटर। तो आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी, प्याज और टमाटर की प्योरी बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं सिंपल वे पे, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेरे घर में ये किसी को पसंद नहीं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और मेरी ननंद भी नहीं खाती, मैं, मेरी सासू माँ। मेरी बेटी को यदि पसंद है तो वो थोड़ा बहुत खा लेती है, ज़्यादा नहीं खाती। और यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स चढ़ा दिए कढ़ाई, कढ़ाई पर मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल हो जाएगा तो मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, क्योंकि हम बॉईल करके नहीं बनाते, मुझे पसंद नहीं है। और मैं ग्रेवी वाला नहीं बनाती, मैं सूखा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सूखा पसंद है इस वजह से। तो ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया। दूर हटे, दूर हटे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं ऑयल में इसको फ्राई हो जाने देती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटहल हमारे फ्राई हो चुके हैं, और कढ़ाई का कुछ इस तरीके से हाल है। तो अब हम इस पर डालेंगे ज़ीरा, के बाद हम डालेंगे लहसुन, लहसुन डालने के बाद साथ में इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, आप चाहें फ्रेंड्स तो पीस कर बना सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा इस तरीके से अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप ग्रेवी वाली रखना चाहते हैं तो आप इसको पीस कर बना सकते हैं, पीस के बनाएंगे तो ग्रेवी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्याज भून जाती है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अभी भुन चुके हैं, पर मैं इसको थोड़ी सा और ब्राउन करूँगी, क्योंकि कैमरे में ये डार्क दिख रहा है, लेकिन रियल में अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी सासू माँ खाएंगी, तो उनको ये, क्योंकि अभी हाफ कुक हुई है, उनको कच्ची प्याज की फिर स्मेल आने लगेगी कहेंगी, इसलिए इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे प्याज भून चुके हैं, तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, इसको भी मैंने स्लाइस में कट किए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, और यहीं पर मैं डालूंगी ये धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर। और हल्दी मैं कम इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि हमें मेरी मम्मी ने भेजी थी, मेरे मायके से आई थी, तो ये घर की जो देसी हल्दी होती है वो होती है, इसको थोड़ी सी डालो तो बहुत तेज़ है,
मतलब बहुत ज़्यादा ये कलर छोड़ती है। अगर ज़्यादा आपने डाल दिया जैसे मार्केट वगैरह की आती हैं तो फिर वो कड़वी लगने लगेगी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ही हल्दी डाली है। और ये रोस्टेड हल्दी है, मेरी मम्मी ने रोस्ट करके मेरे को भेजी थी, ठंड में भेजी थी जब मेरा बेटा छोटा था, तो उसी को मैं यूज कर रही हूँ। तो ये जब मसाला भून जाता तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा इस तरीके से भून चुका है और ऑयल अभी साइड से छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटहल, और ये यहाँ पर बाजू में हमारा दूध बॉईल हो रहा है। आपको ग्रेवी वाली यदि करनी है फ्रेंड्स तो आप इसी स्टेज पर इसमें पानी डाल करके बॉईल कर सकते हैं, पर मुझे ये सूखी रखनी है तो इसलिए मैं इसको भी ढक कर 15 से 20 मिनट और कुक करूँगी, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है कुछ इस तरीके से। और अब मैं डालूँगी इस पर हरा धनिया। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी रात की डिनर थाली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा आटा लग चुका है और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए थाली लगा रही हूँ। तो ये बन रही है गर्मा गर्म रोटी। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की थाली, ये कटहल की सब्जी, रोटियां और ये थोड़ा सा सैलेड, प्याज टमाटर और मैंने ये रोस्टेड पीनट्स डाले हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप डालकर बनाइएगा ज़रूर पीनट्स वाला सैलेड। तो ये रही हमारी आज की थाली, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अरे पापा, हमारे घर में जो सफाई का काम करती है ना, वो कह रही है। ये बता रहा है कि मैं मोबाइल देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, खाने के बाद ये मैंने काटा है तरबूज, जिसको वाटरमेलन बोलते हैं, तो अब हम इसको एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाना होने के बाद रात के भी बज रहे हैं 1, और ये अभी सोया नहीं है लड़का ना ये लड़की सोई, ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, इतनी शैतानियाँ करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी आपको मैं घड़ी दिखाऊँगी, देखिएगा 1 बज रहे हैं और इन लोग सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये डांस हो रहा है इसका, ये अपने पापा जी को लेकर उनको दिखा रहा है कि पापा जी मैं डांस कर रहा हूँ, शैतानियाँ ख़त्म नहीं होनी है। ये दोनों का चल रहा है डांस, इसके बाद इन दोनों को पड़ेगी पिटाई, क्योंकि इन लोग सो ही नहीं रहे थे और ना हम गिर जाएगा रहने दो। ये देखिए 1 बजने में भी सिर्फ 10 मिनट बाकी है, कैसे और इन लोग का डांस चल रहा है। और आपको आवाज़ ये भी सुनाई दे रही होगी तो चल रहा है इस वजह से।
नहीं मिनी गिर जाएगा। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, अब सो। बस बस पानी ला के दो उसको पीने को। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो चुका था और मैं सो भी चुकी थी क्योंकि रात के भी बज रहे हैं दो, और मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है। मैंने अभी अपने बेटे को जस्ट सुलाया है क्योंकि वो लेट सोता है, उसकी मस्तियाँ तो ख़त्म ही नहीं होती। तो प्लीज़ फ्रेंड यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि रूम में चल रहा है कूलर तो आवाज़ आएगी, इसलिए ज़्यादा सुनाई नहीं देगा इस वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।